में से कोई होगी। अच्छा वहाँ सिविल देखते हैं से वही है मान लो आज किस कोर्ट में सुनवाई हुई है और कोर्ट ने किस पर जुर्माना किस आरोप लगाया है और आगे मामले की सुनवाई कब होगी? आज माननीय उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 9 ऑनरेबल जस्टिस प्रकाश पाडिया के समक्ष पुरातत्व सर्वे के संबंध में जो जिला न्यायालय ने आदेश पारित किया था उसके विरुद्ध जो रिट याचिकाएँ लंबित हैं उनके याचिकाओं में बहस के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कि आज अपना पर्सनल शपथ पत्र डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली उपस्थित होकर के दाखिल करें, लेकिन आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तीसरी बार टाइम लिया गया और यह कहा गया कि चूंकि डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई बीमार हैं वह आज भी शपथ पत्र देने के लिए स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हैं इसलिए कुछ और समय दिया जाए। माननीय न्यायालय ने इस पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त किया गया और यह कहा गया कि अब समय देना नहीं चाहते हम क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है कि जो पिटिशनर हैं उनका पक्ष ले रही है, इस प्रकार से उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना आज लगाया गया और उनको निर्देशित किया गया कि 31 अक्टूबर तक अपना शपथ पत्र अवश्य प्रस्तुत कर दें और अगर अधिकारी बीमार है तो उसका नेक्स्ट इंचार्ज अफसर जो है वो शपथ पत्र दाखिल कर सकता है, इस प्रकार का निर्देश किया गया। कब तक बढ़ाई गई है? रोक 31 अक्टूबर तक है और उसी तिथि को यह निर्धारित होगा और वही उसी डेट को बहस होगी कि आगे स्थगन आदेश बढ़ाया जाए या नहीं। एएसआई की तरफ से क्या बताया गया सर कि क्यों आज एफिडेविट नहीं फाइल? बीमारी का बहाना लिया गया, मेडिकल सर्टिफिकेट उनका दिया गया कि बीमार हैं इसलिए नहीं दाखिल हो सकता। कितनी याचिकाएं अभी पेंडिंग हैं, कितने पे फैसला सुरक्षित हो गया? 3 याचिकाओं में बहस हो करके फैसला सुरक्षित है, 2 रिट याचिकाओं में आज बहस होनी थी जिसमें 31 अक्टूबर को तिथि नियत हुई है, बहस हो करके उसमें भी जजमेंट होगा, 2 बजे से नियत है। क्या मामला है?